आज का हमारा टॉपिक है सार गुणनखंड तथा गुणनखंड। ध्यान दीजिए, जब हम गुणनखंड किसी करते हैं उसमें से जो कॉमन होता है वही हमारे कहता है वो क्या था, कॉमन फैक्टर कहलाता है। इस तरह से हम क्या सार गुणनखंड को क्या इंग्लिश में कहते हैं, कॉमन फैक्टर एंड फैक्टर्स। देखिए हम यहाँ बात करेंगे कॉमन फैक्टर और फैक्टर की। देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ, जैसे क्या है एक्स वाई और प्लस वाई आपको दिया गया है, इसमें से कॉमन क्या है, वाई वाई कॉमन है तो वाई और यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। इस तरह से यहाँ पे जो वाई है यही हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। चूँकि वाई यह दोनों में है, जो दोनों में रहेगा वही हमारा क्या कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह से क्या 2x और प्लस 4x वाई, इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2x हमने क्या कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 1 प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा आपको 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे 1 प्लस 2y का हमारा क्या फैक्टर क्या है 2x, 2x दोनों में क्या है कॉमन है, इसलिए यह कि 2x हमारा क्या हुआ कॉमन फैक्टर हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम क्या कॉमन फैक्टर तथा फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम समझ गए हैं जो दोनों में रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है। जैसे x प्लस वाई और क्या हो जाएंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई और वाई और होल स्क्वायर तो बराबर इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, या तो कह देंगे प्लस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ऐसे बाहर कर लीजिए। हम कहेंगे ये दोनों में से x प्लस वाई इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये किसका गया x प्लस वाई और प्लस वन का ये क्या है कॉमन फैक्टर है। तो x प्लस वाई प्लस वन का कॉमन फैक्टर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है दोनों में है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ कॉमन फैक्टर हुआ। और जब हम क्या है फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर का मतलब ये हो गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, तो अब इसका क्या है फैक्टर आपको करना है। तो ऐसी दो संख्या बताएं जिसका गुणा करने पे 6 आ जाए, उसे क्या साइन के अनुसार क्या जोड़ दें तो कितना हो जाए 5 हो जाए। तो ये 3 और 2 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा और 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाए 5 हो जाए। इस तरह से इसके फैक्टर हम निकालेंगे। यहाँ पर यह देना है जितना क्या है किसी भी व्यंजक की जितना हायर पावर होगा, जितना अधिक उसका पावर होगा उतने उसके क्या हो जाएंगे उसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या 2 होंगे, पावर 3 रहेगा 3 फैक्टर होंगे, फैक्टर मतलब 3 उसके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर और कॉमन की फैक्टर की बात करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ सार गुणनखंड का हम यहाँ पे डिफिनेशन आपको दे रहे हैं। सार गुणनखंड जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, बहुत छोटे से एक लाइन क्या है, व्यंजक में प्रत्येक पद में सम्मिलित गुणनखंड को व्यंजक का सार गुणनखंड कहते हैं। इसका मतलब यह है कह रहा है व्यंजक में प्रत्येक पद में सम्मिलित प्रत्येक पद मतलब क्या हो गया, जैसे क्या है k1 x प्लस k2 y और प्लस k3 z और इसको लिख कितना 0। प्रत्येक पद कई पद हैं, 1, 2, 3 पद हैं k1 k2 k3 z में सम्मिलित गुणनखंड। अब कह रहे हैं प्रत्येक में क्या सम्मिलित है, K1, K2, K3 है। देखिए K1, K2, K3 ये क्या अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आप केवल K1 दिखाइए, K दिखाइए, KY, KX, KY, KZ इसकल 0। सम्मिलित गुणनखंड को प्रत्येक व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं, मतलब प्रत्येक पद में जो क्या सम्मिलित हमारा क्या गुणनखंड है वही क्या है व्यंजक का क्या कहलाएगा, गुणसार गुणनखंड कहलाएगा। तो इसमें क्या सम्मिलित है, सब में क्या k है, तो यहाँ बचे क्या x प्लस वाई और प्लस क्या z इसको क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे k हमारा क्या कहलाएगा, k क्या कि सार गुणनखंड कहते हैं। तो नीचे से बात को नोट कर लिख करेंगे, नीचे से लिखेंगे कि वेयर या लिखेंगे अतः k इस व्यंजक का सार गुणनखंड है, अतः k इस व्यंजक का सार गुणनखंड है।
क्यों सार गुणनखंड ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के में नहीं है बल्कि के यक्स में, के वाई में, के जेड में, इसलिए इस पूरे व्यंजक का सार गुणनखंड क्या होगा, हमारा के कहलाएगा, ना कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड कहलाएगा। तो इस तरह से बात ये हमारी कन्फर्म हो गई कि क्या जितने भी पद रहेंगे जैसे 2x और प्लस 6y और प्लस क्या जाएंगे 4z इक्वल टू 0, इसमें कहेंगे इसका सार गुणनखंड क्या है। तो सार गुणनखंड का मतलब यह हुआ प्रत्येक पद में जो क्या है वह गुण वह संख्या या कहीं वह व्यंजक जो सभी में हो तो वही क्या कहलाएगा, इस व्यंजक के क्या कहलाएगा, सार गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ देखें 2x है, यहाँ पे 6y, यहाँ से दो कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3y और यहाँ पे कितना बचेंगे 2z बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए दो एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है एक्स में भी इस 2x में भी है और 6y भी है और 4z में है। तो और यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 2z 2 में नहीं है, तो हम यहाँ पे कहेंगे दो क्या है इस मतलब कि 2x प्लस 6y प्लस 4z का क्या है सार गुणनखंड है। तो नीचे से लिखेंगे अतः 2 इस व्यंजक का सार गुणनखंड है। तो यहाँ पे ये बात मुझे समझ आ गई कि प्रत्येक पद में क्या है जो संख्याएं या व्यंजक सभी में रहें वही क्या हो जाएगा हमारा सार गुणनखंड, एक कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इस तरह से यह हमारा क्या कन्फर्म हो गया कि सार गुणनखंड जो कि प्रत्येक पद में रहेगा वही से हम क्या करें कॉमन करने के बाद उसी को हम दिखाएंगे अतः के इस व्यंजक का सार गुणनखंड है, या दो में जब दो कॉमन के दो जो भी कॉमन होगा वही इसका क्या होगा सार गुणनखंड होगा। तो अब हम बात करेंगे क्या इसके क्या है प्रॉब्लम की। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर हम क्या 1 ले रहे हैं। आइए क्या प्रॉब्लम नंबर 1 इधर देखते हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा कह क्या रहा है, देखिए हमारा कह क्या रहा है 5x प्लस 15xy 5x प्लस 15xy का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए जब क्या ऐसे क्या है प्रश्न आपको दिए रहेंगे और पूछेगा क्या इसका सार गुणनखंड बताओ क्या होगा, सबसे पहले आप करेंगे जो दिया रहेगा 5x प्लस 15xy में हम सबको क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो 5x का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और 15 का 5 गुणते 3x y हो गया। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है 5 इसमें 5 यहाँ भी है, x यहाँ पे दोनों में 5x क्या करें बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा 5x हमने बाहर कर लिए तो यहाँ बच रहा 1 प्लस 3y बच रहा है। तो अब कहेंगे कि 5x 1 प्लस 3y के क्या है फैक्टर है, लेकिन क्या है 5x क्या है इस दिए हुए व्यंजक क्या है सार गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस बात को अतः 5x इस व्यंजक का सार गुणनखंड है, सार गुणनखंड है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे सार गुणनखंड कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, जैसे क्या हो गया 10xy और प्लस 5xy प्लस 20y स्क्वायर का सार गुणनखंड बताओ क्या होगा, का सार गुणनखंड गुणनखंड बताइए, इसका सार गुणनखंड बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 10xy है, आप लिख लेंगे 10xy प्लस 5xy और प्लस 20y स्क्वायर इतना दिया गया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे फैक्टर कर लीजिए, 10xy का आप लिख सकते हैं 5 गुणते 2xy और प्लस 5 ये तो पहले से है तो 5xy तो रहेगा ही और प्लस 20 को लिखेंगे 5 गुणते 4y स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाएगा बराबर, अब देखना यह है इसके बराबर कितना हो जाएगा।
देखिए पाँच यहाँ पे वाई यहाँ पे है, पाँच वाई यहाँ पे, पाँच वाई यहाँ पे मिल जाएगा, चार इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें चार नहीं है या इसमें भी चार नहीं है। यहाँ पे कई पद का आपको दिया गया है, एक दो तीन पद का आपका प्रश्न है और तीनों पद में पूछ रहा है कि सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो जब ऐसे प्रश्न है तब उसका सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के जस्ट के बाद जैसे देखेंगे सब में कॉमन क्या है, पाँच वाई इसमें भी है, पाँच वाई इसमें, पाँच वाई इसमें भी, सब में से पाँच वाई को क्या बाहर कर लेंगे, 5y क्या हो गया बाहर हो गया, तो यहाँ पे बच क्या रहा है 2x, देखेंगे 2x और प्लस क्या हो जाएगा आपका y, 2x प्लस x, 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएंगे प्लस 4y स्क्वायर, 4y, एक y तो निकल चुका है, 5y तो निकल चुके हैं, 4y केवल बचेगा, तो इस तरह से कितना जाएंगे 5y, यह हमारा सार्वगुणनखंड है किसका 3x और प्लस क्या है 4y का। तो ये भी कह सकते हैं 3x प्लस 4y का फैक्टर हमारा 5y है, लेकिन 5y हमारा क्या है सार्वगुणनखंड है किसका है 10xy प्लस 5xy प्लस 20y स्क्वायर का हमारा क्या सार्वगुणनखंड है। तो इस तरह से लिखेंगे अतः 5y इस व्यंजक का, इस व्यंजक का सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। तो इस तरह से हमारा क्या दो क्वेश्चन क्या सार्वगुणनखंड के क्या कंप्लीट हुए। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और चौथा नंबर कह रहा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के गुणनखंड ज्ञात कीजिए और इसका सार्वगुणनखंड भी आपको बताना है। पांचवा नंबर कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 5ab और प्लस 5b स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा सार्वगुणनखंड भी बताइए। देखिए गुणनखंड की बात कर रहा है तो बिल्कुल क्या है दोनों में बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, उसकी जो सब में होता है कॉमन वही हमारा क्या है कॉमन फैक्टर कहलाता है, उसी हम क्या कहते हैं सार्वगुणनखंड कहते हैं। और क्या यदि क्या है उसका सोल्यूशन जो कर लेते हैं जिसका फैक्टर कर लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है गुणनखंड कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन का सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन इसमें दिया है 2x और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 6x क्यूब। अब देखना यह है ये सब में है क्या कॉमन, इसमें 2x इसमें 2x इसमें 2x मिल जाएगा, 2x को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, 2x को बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बताएंगे 2x ये हमारा क्या कॉमन फैक्टर है किसका, 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब का क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब यह हो गया यही हमारा क्या है सार्वगुणनखंड है। तो इस तरह से क्या है हम 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब का सार्वगुणनखंड कितना होगा 2x होगा। आइए थोड़ा सा इसे हम चेक कर लेते हैं। अब 2x का क्या गुणा बता इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो कितना मिलेगा, किसमें करेंगे 2x डिवाइड करेंगे 6x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 2x से भाग दीजिए देखिए कितना आता है, इसमें से भाग देंगे कितना 3x स्क्वायर से भाग देंगे, किसे 3x स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या माइनस हो जाएगा दोनों कट जाएंगे कितना बचेगा 4x स्क्वायर और प्लस क्या जाएंगे 2x हो जाएगा। आप पहला पद कैंसिल करने के लिए इसमें से कितने का गुणा करेंगे 2x से गुणा करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या लिखेंगे 2x, जितने से गुणा करेंगे उधर क्या है उत्तर में आप लोग लिखेंगे भागफल में तो 2x इसमें गुणा करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x। अब 2x को कैंसिल करने के लिए 2x में कितने से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा 2x, 2x बन जाए कितना जाए 2x हो जाए घटा देंगे कैंसिल हो गया। इस तरह से देखते हैं हमारा जो भागफल आएगा कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, किसका आपका 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब का, इसमें से हमारा क्या 2x ये हमारा क्या हो गया कॉमन फैक्टर हुआ। तो नीचे से लिखेंगे अतः 2x इस व्यंजक का कॉमन फैक्टर है, इस व्यंजक का
कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में, सार गुणनखंड कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 4 और 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपको दिया गया है, इसका क्या है सार गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखेंगे, 4 में दिया है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 इतना दिया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे कौन संख्या ऐसे हैं या कौन सा व्यंजक ऐसा है जो कि सब में है। तो देखते हैं इसमें 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4 चारों पद में हम क्या करेंगे, दो दो का क्या जोड़ा बना लेंगे, दो दो का इसका जोड़ा बनाएंगे इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ बना लेंगे। बनाने के बाद देखेंगे कॉमन करेंगे क्या क्या कॉमन होता है। सबसे पहले हमने कि जोड़ा बना लिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो इसमें भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर की क्या करें बाहर कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 और इस ब्रैकेट में कुछ नहीं कॉमन तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो अब देखते क्या है पूरे क्या है, पूरे दो पद में हो गए, एक पद यहाँ पर हो गया ये दूसरा पद हो गया, क्योंकि बीच में एक साइन चिन्ह है हमारा, एक साइन है वो क्या है हमारा प्लस है। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो 4 हमारा पद थे अब किसमें कन्वर्ट हो गया, दो पद में हो गया। अब देखेंगे पहले पद में और दूसरे पद में कौन सा ऐसा क्या है जो कि दोनों में हो, एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी है, एक्स प्लस यहाँ पे भी है, दोनों में है तो इसी को क्या कहते हैं कॉमन कहते हैं। तो इसे बाहर कर लीजिए एक्स प्लस 1, जब हमने इसे बाहर कर लेते मतलब ये हो गया एक कॉमन हो गया। तो बचा क्या पे एक्स स्क्वायर बचा है, ये तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यह फैक्टर है किसका, एक्स प्लस 1 का। ये भी कह सकते हैं कि एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कॉमन फैक्टर है। तो नीचे से आप रिजल्ट लिखेंगे, अतः एक्स प्लस 1 इस व्यंजक का कॉमन फैक्टर है, इस व्यंजक का कॉमन फैक्टर है इस व्यंजक का कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से क्या है कॉमन फैक्टर आप लोग समझ गए होंगे। सार गुणनखंड किसे कहते हैं, जो सारे पदों में से क्या करें जो कॉमन हो जाए वही क्या करें सार गुणनखंड कहलाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखिए दिया क्या है एक्स प्लस बी वाई प्लस 5ab प्लस 5b स्क्वायर, और इसके साथ साथ क्या है क्वेश्चन नंबर 4 को चेक भी करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, जो कॉमन फैक्टर है इसमें भाग देंगे यही आपका रिजल्ट इतना आएगा। तो इस तरह से क्या चेक भी करना तो चेक कर सकते हैं, आइए इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 में किससे आप भाग देंगे एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला क्या है, देखिए एक्स क्यूब यहाँ पे है एक्स क्यूब ये यक्स है, अब यक्स में कितने यक्स से भाग दे दें जो कि यक्स क्यूब बन जाए। देखिए भाग में होता क्या है पहले एक एक पद को कैंसिल किया जाता है, जब एक एक पद आप कैंसिल कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आए बिल्कुल एकदम क्लीन आएगा। तो यहाँ देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जिससे गुणा करेंगे वो हमेशा उत्तर में लिखा करें, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर के इसमें गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब होता है। तो नीचे क्या साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये भी माइनस ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये माइनस एकदम सेम है हमारा तो ये भी हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा क्या एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, अब क्या करना है एक्स प्लस 1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 कितने से गुणा करें जो कि एक्स प्लस 1 आ जाए, तो केवल 1 से गुणा कर देंगे एक्स प्लस 1 आपको ऑप्टेन हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 1, तो 1 को गुणा एक्स में करेंगे एक्स हो जाएगा, 1 को गुणा 1 में करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, और चिन्ह बदल दीजिए माइनस हो जाएगी माइनस, मतलब नीचे के जो साइन चिन्ह देख के उसी के अनुसार का चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसे क्या ऊपर प्लस नीचे माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल हो गए, तो मतलब कहने के 0 0 आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको रिजल्ट मिल गया, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्या रिजल्ट हो गया, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना मिलेगा एक्स प्लस 1 मिलेगा, क्यों मिलेगा क्योंकि वह उसका क्या है कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए क्या है इतना रिजल्ट आपको मिलना है। ये भी कह सकते हैं कि यह इसका क्या है
क्या है, फैक्टर है किसका, एक्स प्लस वन का, एक्स स्क्वायर प्लस वन फैक्टर है। आ कहेंगे एक्स प्लस वन एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वन का, बात तो एक ही हुआ। लेकिन जब सार्व गुणनखंड पूछेगा तो जो सब में रहेगा वही आप बताएंगे, या नहीं कि इसे आप बताएंगे। इस तरह से हमारा यह क्या हुआ, पांच क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, छ, बिल्कुल सेम आपको क्या है, गुणनखंड करना है आपको, गुणनखंड करना है। अब देखिए करना क्या, इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फोर एक्स स्क्वायर और प्लस बारह एक्स वाई और प्लस नाइन वाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, फोर एक्स स्क्वायर दिया प्लस बारह एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, फोर एक्स स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं, टू एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बारह को क्या लिख सकते हैं, बारह को लिखेंगे चार गुणते तीन एक्स वाई, और ध्यान दिए प्लस नौ को लिखेंगे थ्री वाई का होल स्क्वायर। अब इसी साथ एक लाइन और देख लीजिए, टू एक्स का होल स्क्वायर और प्लस टू डॉट थ्री एक्स वाई और प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हमारा बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और प्लस थ्री वाई, ये क्या हो जाएगा बी, तो मतलब टू ए बी का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला किसका, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। फार्मूला क्या आता है, सरसंख्या में भी बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, तो होता क्या ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला आता है। इसी फार्मूले क्या क्या यहाँ पर लगा देंगे, तो ए के पोजिशन पर कितना है आपका टू एक्स है और बी के पोजिशन पर कितना है थ्री वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ हुआ टू एक्स प्लस थ्री वाई का क्या है होल स्क्वायर। यही हमें क्या हुआ रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, नीचे लिखेंगे ए एन एस। आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या है सेवन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा सात क्या कह रहा है, सात देखिए सात क्या सोलह एक्स स्क्वायर, देखेंगे सोलह एक्स स्क्वायर और माइनस एट एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर का गुणनखंड करना है। सबसे पहले देखेंगे सोलह की क्या लिखेंगे, सोलह का हम क्या लिखेंगे फोर एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब यह हो चार का वर्ग करेंगे सोलह हो जाएगा, एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस इसे क्या है दो खंड लिखेंगे, दो गुणते चार एक्स वाई हो गया, और प्लस क्या है वाई है इसे लिखेंगे वाई का वर्ग हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छी तरह से क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे क्या है बिल्कुल हमारा क्या फार्मूला क्या यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे क्या प्लस का हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाला फार्मूला, चूँकि यहाँ पे माइनस आ गया है तो माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे, लिखेंगे फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहाँ पे ए के पोजीशन पे फोर एक्स है, बी के पोजीशन पे क्या हमारा वाई है, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा फोर एक्स और माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की। आइए क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए, बड़ा नहीं बहुत छोटा सा है क्वेश्चन नंबर एट। देखिए एट क्या कह रहा है, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया, कहेंगे गुणनखंड क्या होगा। तो आइए यहाँ पे देखते क्या है, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इतना आपको दिया गया है। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हम इसे वर्ग के रूप में बनाएंगे, वर्ग के रूप में बनाने के करेंगे क्या चार एक्स का
होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 3y का वर्ग करेंगे, हो गया इतना। अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि इसमें कौन सा क्या है हमारा सरसंख्या का फार्मूला लगेगा। आपको बताए थे सरसंख्या फार्मूले में केवल क्या है, इस चैप्टर में हमने केवल पांच फार्मूले की बात किए थे, तो पांचों फार्मूले में जो लास्ट वाला पांचवा फार्मूला था वही फार्मूले आप लगाएंगे। और फार्मूला के यहाँ पे आप लिख लिया करें, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे ए के पोजीशन पे क्या 4x है, बी के पोजीशन पे कितना है 3y है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वल टू 4x और प्लस 3y और सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y हो गया। तो यही हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। लिखेंगे ए एन एस, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की देख लेते हैं। 9 भी हमारा क्या बहुत छोटे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 हमारा क्या कह रहा है कि एक्स पावर 5 माइनस एक्स माइनस 16 है, तो ये 16 यहाँ पे x कर दीजिए 16x, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर 5 माइनस 16x, जिसमें से कॉमन क्या है, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स पावर 4 माइनस क्या देंगे 16, ब्रैकेट क्या करिए बंद कर दीजिए, इसे वर्गांतर का फार्मूला लगा दीजिए, एक्स रहेगा इसे लगेंगे एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्या करिए बंद कर दीजिए। अब देखना यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर लिखेंगे एक्स इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी करना चाहते हैं एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा एक बच रहा है 10, 102 को वर्ग माइनस किया 98 को वर्ग, इसका जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 10 लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 102 का वर्ग और माइनस 98 का वर्ग, एक लाइन बस इसमें लगा दीजिए, फार्मूला लिखेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और सेकेंड में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यही हमारा क्या था फार्मूला होता है। अब ए के पोजीशन क्या 102 है, बी के पोजीशन पे कितना है 98, वर्ग है तो वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग है, तो यही ए और बी के स्थान पे रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 102 और प्लस 98 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 102 और प्लस क्या हो जाएंगे 98 हो जाएगा, बराबर जोड़ दीजिए 8 2 10 का 0 हाथ में लगे 1, 9 1 10 का 0 हाथ में लगे 1 और एक एक मिल के कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा और गुणित कितना हो जाएंगे, एक माइनस रहेगा भाई माइनस। अब इसमें से क्या है एक से घटाए गुणक क्या हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएंगे 800 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो क्या है इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्या देखे हैं, क्या कॉमन फैक्टर और फैक्टर, जब भी आपको फैक्टर दिया रहेगा बीजी व्यंजक में तो आप इसी तरह से लगाएंगे कि इससे बड़ा टफ आपको क्या फैक्टर नहीं पूछा जाएगा। और क्या है आपके क्या है सिलेबस में बस क्या है स्क्वायर के मतलब वर्ग वर्गांतर तक केवल ये केवल आपको फार्मूले दिए गए हैं, उसी फार्मूले पे बेस पे क्या है आपके सारे क्या है प्रोसेस हैं। अब देखना यह है कि इसमें से क्या है आपको किस कितने फार्मूले याद होने चाहिए, कम से कम क्या है आपको 3 फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, सेकेंड फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और जो थर्ड हमारा फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी होता है और सेकेंड में क्या कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी होता है। इस तरह से ये 3 फार्मूले के क्या है इस क्या है बीजी क्या है व्यंजक में क्या है बहुत अच्छी तरह से क्या है इस फार्मूले का यूज हुआ है, और क्या है उसे अच्छी तरह से आप अभ्यास बना लीजिए और इस तरह से यूज करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है इसमें 9 था, 9 में एक लाइन हमने आपको बचा रहे थे कि इसमें सब में x को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x और कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और ध्यान दीजिए इसमें से क्या है ये
ए स्क्वायर और यहाँ पे चार कम लेकिन दो की स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा एक्स प्लस टू और सेकेंड क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब ये क्या हो गया, इसका क्या कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह देखते हैं क्या हमारे ये दसों प्रश्न में क्या है, सभी में देखते हैं कॉमन फैक्टर और तथा उसके क्या हैं फैक्टर को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।